हेलो सीएफए ट्रांसपेरेंट्स, इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर का जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है 24AC01 उसके ग्रामर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उसके साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी कि सर शॉर्ट ट्रिक्स से ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको ग्रामर के और वीडियोज देखने हैं तो आप लोग मेरे चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय रश्मि उसके प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको एक ये वीडियो दिखेगा, ग्रामर टॉपिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इसमें आपको करीब 35 वीडियोस दिखेंगे, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है। आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और सीएपीएफ ग्रामर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला वीडियो देखना है तो आपको आप ये वाला देख सकते हैं। तो पूरे प्रीवियस ईयर का ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और साथ में जो भी मॉक टेस्ट मैंने लिया पेपर टू का उसके ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। फाइन। और अगर आप लोगों को पेड चाहिए, ग्रामर का पेड वीडियो चाहिए, तो आप लोग को ये वाला प्लेलिस्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा। 2023 सीएपीएफ ग्रामर कंप्लीट वीडियो क्लासेस, ये पेड वीडियोस है और इसमें आप लोगों को 159 रुपीज पे करना होगा पर मंथ। और आप लोगों के लिए पूरा सीएपीएफ का ग्रामर का सिलेबस कवर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए या आपको बुक चाहिए ग्रामर की, तो वो भी अवेलेबल है। सबसे पहले सीएपीएफ का अगर आपको ग्रामर चाहिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो 54 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे विद सॉल्यूशन और साथ में प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर्स भी आपको मिलेगा। और चैप्टर वाइज ग्रामर के टेस्ट पेपर्स चाहिए तो वो आपको वो भी मिल जाएगा, जिसमें टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उनके आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आप चाहो तो आप वो आप इवैल्यूएट भी करवा सकते हो मेरे से। ठीक है, आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो, मेरे से इवैल्यूएट करवाइए। और ये सब सारा पीडीएफ है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग जैसे ही बाय करेंगे वैसे ही आप लोगों के मेल में पीडीएफ आ जाएगी। इसके अलावा ग्रामर की बुक अवेलेबल है। ये जो बुक है ये 1000 रुपीज की है, और अगर आप ये बुक खरीदते हो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर इसके साथ फ्री मिलेगा। फाइन। और आप लोग चाहो तो इवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीएपीएस के एग्जाम में, और स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं, जब मैं पूछती हूँ ग्रामर कैसा है तो बोलते हैं हाँ मैम हो जाएगा ग्रामर, और जब मैं बोलती कितना स्कोर आएगा तो 10 12। 10 12 में क्या होता है, जब ग्रामर में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं तो 10 12 क्या है, कुछ नहीं। तो 10 12 स्कोर में कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। आप लोगों को ग्रामर में इतना अच्छा कर लो कि 18 20 तो आराम से आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको 25 भी आ सकता है, मगर जो बहुत अच्छा करेंगे उन्हीं को 25 आएगा, जो बहुत अच्छा है उसमें देंगे। तो ग्रामर जो है ना वो आपको बहुत आउटपुट देता है, बहुत ज्यादा आउटपुट। मतलब ऐसे में आप पूरा 1 घंटा देते हो एग्जाम में, 1 घंटा 5 मिनट देते हो, तब भी आप श्योर नहीं आपको 15 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, मगर ग्रामर में आप सिर्फ 10 12 मिनट दोगे और आपको पता है कि आपको कितने आएंगे, 15 18। मतलब आप सोचिए 10 12 मिनट देगा 15 18 आएंगे। तो उसके पहले आप लोगों को ग्रामर का 3 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है, तब जाके ग्रामर में आपको 18 20 ऐसे आ सकते हैं। तो ग्रामर का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और एग्जाम में उसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप लोगों को ग्रामर का बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो मैं 2025 सीएपीएफ एग्जाम के लिए ग्रामर का बैच शुरू कर रही हूँ 30 अगस्त को। 30 अगस्त को ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है और ये लाइव बैच होगा, और इसमें जो भी इसमें एनरोल्ड होगा उन लोगों को ग्रामर की बुक फ्री मिलेगी और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी मिलेगा जिसको मैं इवैल्यूएट करूंगी, यानी फुल कोर्स फुल सिलेबस कवर होगा उसमें। फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 24AC01 टेस्ट पेपर और इसका मैंने ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट करवा दिया है। अब हम लोग ग्रामर पे आ रहे हैं, ग्रामर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस। ओके, तो आप लोगों को इसको रीराइट करना है सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, वी डिस्कस अबाउट द मैटर यस्टरडे, तो इसमें एक्चुअली एरर प्रेपोजिशन का है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से सेंटेंस को समझा दूं। देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फाइन। अब ये वर्ब जो है ये वी टू फॉर्म में, ईडी लग गया ना, ये वी टू फॉर्म में, तो ठीक है,
सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है, हमें येस्टरडे से पता चल रहा है, तो डिस्कस एकदम सही है। मगर इसमें जो एरर है वो प्रपोजिशन का एरर है, और इसमें आज समय अबाउट नहीं लगेगा। तो ये जो चैप्टर है ये ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन पर है, जिस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं बोलते हैं, जैसे डिस्कस आपको दिख ही रहा है, और जैसे डिस्क्राइब है ये भी अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता है, जैसे साइन है ये भी नहीं लेता है, ऑर्डर जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर द कॉफी, ही ऑर्डर्ड फॉर द कॉफी अगर आप बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता है। फाइन, तो वैसे ही डिस्क्राइब है तो डिस्क्राइब भी अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता। जैसे ही डिस्क्राइब अबाउट द सोलार सिस्टम, ही डिस्क्राइब द सोलार सिस्टम, ही साइन ऑन द पेपर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये साइन, डिस्क्राइब, ऑर्डर, ये बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब अपने ये सब नहीं लेता। अगर आपके पास मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक है तो उसमें ये लिस्ट दी हुई है, साथ में किस तरह से ये लिस्ट को लर्न करना वो भी बताया है। नेक्स्ट इज द वेदर इफेक्ट इज हेल्थ। तो यहाँ पर जो एरर है वो एरर ये वाला है, तो सूर्य इसका आंसर होगा अफेक्ट। तो इफेक्ट और अफेक्ट में क्या डिफरेंस है? इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स ये नाउन है, तो जैसे आप बोलते हैं ना साउंड इफेक्ट, इसका साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो साउंड इफेक्ट में ये जो है ये नाउन है, और ये अफेक्ट है ये वर्ब है, दोनों का मतलब प्रभाव करना है, मगर ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट आया इसके बाद तो वर्ब आना है ना, इसीलिए यहाँ पर अफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है, आवर नेबर्स हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ एस नहीं लेते हैं, तो जैसे कि ये फर्नीचर, तो फर्नीचर अपने साथ एस नहीं लेता है, तो आप लिखोगे आवर नेबर्स हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, एस नहीं लगाओगे। ओके, नेक्स्ट, ही इज अकस्टम टू बिहेव इन सच अ वियर्ड मैनर। तो इसमें आपका जो एरर है वो है बिहेव, बिहेव का होगा बिहेविंग। मैं आप लोगों को इसका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ वी फोर लेते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, वो मैं लिस्ट आप लोगों को दे देती हूँ। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ वी फोर लेते हैं, ठीक है, जैसे रिलेटेड टू, तो आप देख रहे हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू। तो मैं आपको बोलने जा रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं, टी ओ टू, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेपोजिशन टी ओ टू लेते हैं, और टी ओ टू के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वो वी फोर होगा, और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो सीरियस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, ये फेवरेट बहुत पॉपुलर रूल्स है या फेवरेट रूल्स है क्वेश्चन सेटर्स का। तो जैसे रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन टी ओ टू लेता है, और टी ओ टू के बाद हमेशा वी फोर आता है, जैसे विद अ व्यू टू, तो विद अ व्यू अपने साथ प्रेपोजिशन टी ओ टू लेता है और उसके साथ वी फोर आता है। अब उसके बाद आप देखिए लुक फॉरवर्ड टू, तो लुक फॉरवर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन टी ओ टू लेता है, उसके बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वो वी फोर आएगा, यदि कोई वर्ब आता है तो वी फोर आता है। वैसे ओइंग टू, ओइंग अपने साथ प्रेपोजिशन वी फोर टू लिया, उसके बाद वी फोर आया। ऑब्जेक्टेड अपने साथ प्रेपोजिशन टी ओ टू लिया, उसके बाद वी फोर आया। गोइंग, फिर की अपने साथ प्रेपोजिशन टी ओ टू लेता है, उसके बाद वी फोर आता है। अब जो अभी क्वेश्चन आया था अकस्टम टू, तो अकस्टम टू अपने साथ प्रेपोजिशन टी ओ टू लिया, या हैबिचुअल, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी हैबिट, हैबिट हो जाना, और उसके बाद वी फोर लिया। ही इज अकस्टम टू वियरिंग लूज क्लोथ्स। वैसे ही टेक, एक्सेप्टिंग समथिंग एज अ हैबिट, ही टुक टू स्मोकिंग, एडिक्टेड अपने साथ टी ओ टू लिया और उसके बाद वी फोर आया। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, नहीं टू स्मोकिंग। एवर्स टू का मतलब लाइक नहीं करना, ही इज एवर्स टू स्मोकिंग। अटेंशन अपने साथ टी ओ टू लिया और फिर वी फोर आया। पे मोर अटेंशन टू रीडिंग,
कॉन्ट्रीब्यूट अभी तक टीओ 2 लिया फिर भी हो रहा है, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेवलपिंग हिज ओन प्रोविंस, कन्फेस अपने साथ प्रपोजिशन टीओ 2 लिया उसके बाद बी 4 आया, कमिट अपने साथ प्रपोजिशन टीओ 2 लिया उसके बाद बी 4 आया, राइट। वैसे ही डेडिकेटेड अपने साथ प्रपोजिशन टीओ 2 लिया उसके बाद बी 4, डिवोटेड अपने साथ प्रपोजिशन टीओ 2 लिया उसके बाद बी 4, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं निमोनिक, आप निमोनिक से लर्न करना चाहते हो तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, देखिए आर वी लुक एट ट्रिपल ए ट्रिपल सी डबल डी, ये है निमोनिक, आर वी लुक एट ट्रिपल ए ट्रिपल सी डबल डी, तो ये निमोनिक से आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। हम वापस से क्वेश्चन में आते हैं, जो कस्टम वाला जो आया है आपका वही हमें देखना है, चलिए तो एक कस्टम अपने साथ प्रेपोजिशन टीओ 2 लेता है उसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वी 4 आता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इससे एरर दो पूछे जाते हैं, पहला कि ये कौन सा प्रेपोजिशन लेता है कस्टम फॉर, ठीक है, और उसके बाद यदि वर्ब आएंगे तो वी 4 आएगा, फिर व्हाट ब्यूटिफुल स्मूदी। अब ये वाला जो है इसमें एरर ये है कि ये एक सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है स्टूडेंट्स वो अपने साथ कभी भी मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा अपने साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लेगा, तो आप देख रहे हो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये वाला चीज, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अ नहीं लगा आर्टिकल का, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो ये होगा इसका, अब नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, द बस वॉज रेकर्ड नो वन वॉज हर्ट, यानी बस का एक्सीडेंट हो गया था मगर किसी को हर्ट नहीं हुआ। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो है कंबाइन टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, देखिए रीराइट करना है तो रीराइट का मतलब आपको वापस से इसको लिखना पड़ेगा, यानी अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा तब भी आपको रीराइट करना पड़ेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो हिडन पेनल्टी है। द बस वॉज रेकर्ड नो वन वॉज हर्ट कंबाइन टू मेक इट कंपाउंड, अब इसमें आप लोगों को कुछ मैं रूल है वो मैं बता दूं, हमारे पास 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक होता है स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमारे पास 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस होते क्या है वो भी ध्यान रखो, सेंटेंस सेंटेंस तब होते हैं जब उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तभी वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस सेंटेंस तब होंगे जब उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो, कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट हो और दो वर्ब हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होगा और दो वर्ब होगा, कम से ज्यादा भी हो सकते हैं, फाइन। तो अब देखिए एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, एक वर्ब दो वर्ब, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, एक वर्ब और दूसरा वर्ब, तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट होता है दो वर्ब होता है, कहने का मतलब है सिंपल सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस है कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, मगर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंसेस है हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच सेंटेंस, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब ये दो जो सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब दोनों मिलाकर दोनों सेंटेंस कंबाइन किससे होते हैं कंजंक्शन से, किससे होते हैं कंजंक्शन से, अब यहां पर डिफरेंस है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से, कंपाउंड सेंटेंस कौन से कंजंक्शन से बनते हैं फैन वॉइस से बनते हैं, मैं आपको बता देती फैन वॉइस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस फैन वॉइस कंजंक्शन से बनते हैं,
और पेयर कंजंक्शन से बनते हैं। पेयर कंजंक्शन कौन सा होता है? ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये पेयर कंजंक्शन है। अगर आपको ये पेयर कंजंक्शन दिखता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर आपको फैन बॉयज वाला कंजंक्शन दिखता है तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस है। फैन का मतलब, एफ का मतलब फॉर, और यहाँ पर फॉर का मतलब होता है बिकॉज, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉट, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है सो। ओके, तो ये है फैन बॉयज। अगर आपको ये कंजंक्शन दिखते हैं तो आप समझ जाओ वो कंपाउंड सेंटेंस है, और अगर आपको पेयर कंजंक्शन दिखते हैं इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस है। इसके अलावा आपको जो भी कंजंक्शन दिखता है, जैसे आपको दिख रहा है इफ, दैट, बिकॉज, देयरफॉर, ये सारे जितने भी कंजंक्शन दिख रहे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। फाइन, तो ये बेसिक चीज है। अब क्वेश्चन है, कंबाइन टू मेक इट कंपाउंड, यानी दो सेंटेंस, यानी ये एक सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और वॉज हो गया वर्ब, तो आपके पास दो सब्जेक्ट हो गया, दो वर्ब हो गया। अब दो, इसका मतलब हमारे दो सेंटेंसेस है। अब दोनों सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन ऐसे कंजंक्शन से करना है जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाए। तो आप बताइए, फैन बॉयज में आप किसको लोगे? बस का एक्सीडेंट हुआ मगर किसी को चोट नहीं लगी, मगर यानी बट लगाओगे, तो आप इसको पूरा रीराइट करोगे। द बस वॉज रेकर्ड बट नो वन वॉज हर्ड, सॉरी, नो वन वॉज हर्ड। अब आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहली चीज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। जो चीज लिखा हो, मैंने देखा है, मैं अभी पेपर करेक्शन कर ही रही हूँ स्टूडेंट्स का, ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स वाला, तो उसमें बच्चे देख कर गलती कर रहे हैं। जैसे रैकेट है, तो रैकेट की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। ओके, रैकेट में आर ई के सी हटा दिए अपने से, मगर सोचिए ये सब केयरलेसनेस है ना। वर्ड सामने दिख रहा है तो आप देख कर स्पेलिंग लिख लो, मगर नहीं, देख कर नहीं लिखना है, हमें तो मार्क्स चाहिए, नहीं ना। दूसरी गलती, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, बी स्मॉल है तो इसको बी को कैपिटल कर देंगे, खुद ही कैपिटल कर देंगे, मतलब देख कर क्यों गलती। चलो मुझे कैपिटल लेटर का सेंस नहीं है, ठीक है, नहीं होगा, मगर जब आपको क्वेश्चन में बी स्मॉल दिख रहा है तो आप आंसर में भी बी स्मॉल ही लिखिए। तीसरी गलती करते हैं पंचुएशन मिस्टेक की, फुल स्टॉप देना है मगर फुल स्टॉप नहीं देंगे, स्टूडेंट्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और गलती, लिखते वक्त आप ये जो मार्जिन है इसको क्रॉस नहीं करोगे, हिडन पेनाल्टी है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऑफिसर नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता है वो कैसे ऑफिसर बन सकता है। सो साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि यू शुड नॉट क्रॉस द मार्जिन, शुड नॉट राइट बियॉन्ड द मार्जिन। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैव यू नेवर हर्ड ऑफ इट? कंबाइन द सेंटेंस टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो फैन बॉयज वाला कंजंक्शन बनाएगा, और इसके अलावा पेयर कंजंक्शन बनाएगा। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन है, इफ है, अनलेस है, बिकॉज है, दैट है, सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, तो मैं इसमें दैट लगाऊंगी। हैव यू नेवर हर्ड इट, है ना, इट की जगह मैंने दैट लगाई है, दैट। अब बाकी सारा मैं ऐसे भी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैंने इसको फिक्स रख दिया। अब नेक्स्ट, शी विल गेट रेडी, डू नॉट गो टिल देन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अनटिल। अब अनटिल की स्पेलिंग देखिए, यू एन टी आई एल, देख कर स्टूडेंट्स गलती लिख रहे हैं, डबल एल लिख, देख लिखा हुआ है सिंगल एल, मगर नहीं, हमें तो डबल एल लिखी, गलत है ना ये चीज, देख कर गलती कर रहे तो आप तो बहुत जबरदस्त केयरलेस हो। एनीवेज, ये चीज याद रखना, अनटिल अपने साथ कभी नॉट नहीं, और इसका मतलब होता है जब तक, और इसमें जब, एक्चुअली अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अगर हिंदी करें तो इसका मतलब होता है जब तक नहीं, तो जब तक वो, अगर हिंदी दोनों को मिला के हिंदी करें तो जब तक वो रेडी नहीं हो जाती है तब तक तुम मत जाओ, तो जब तक वो रेडी नहीं हो जाती है तो डू नॉट गो अंटिल शी, जब तक वो रेडी नहीं हो जाती, अंटिल शी, अब शी सिंगुलर है तो
तो गेट्स। अब आप देखो ये प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन, आप जबरदस्ती इसको पास नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर बोलते हैं अंटिल से सेंटेंस को शुरू करो, या अंटिल से कंबाइन करो, या बोलते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, आप लोग कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे। वॉज है तो वॉज ही रहने दोगे, पास्ट है तो पास्ट रहने दोगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहने दोगे। डू नॉट गो अंटिल शी गेट्स रेडी। नेक्स्ट है नॉलेज डैश एक्सपीरियंस, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और अगर आप इंस्ट्रक्शन देखोगे तो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रीराइट करना है, तो मुझे इसको वापस लिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं सोचूंगा जो फिल इन द ब्लैंक्स यहीं पे भर दूँ, नहीं, हमें पूरा लिखना है। नॉलेज फिर मैं ऐसे दूंगी और फिर एक्सपीरियंस, राइट। अब प्रोसीड्स होगा कि प्रिसीड्स होगा? प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रिसीड का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पर प्रिसीड्स आएगा, नॉलेज के पहले एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रिसीड्स, फाइन, स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख कर लिखोगे। नेक्स्ट, द जू कीपर शॉट द लायन विथ अ ट्रैंक्विलाइजर। रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द इंफिनिटिव फॉर्म द अंडरलाइन वर्ड। सबसे पहले चीज है इंफिनिटिव होता क्या है? इंफिनिटिव होता है 2 प्लस। ओके, तो आपको शॉट को टू शूट करना पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि इसी को इंफिनिटिव करना है। शॉट का इवन करेंगे तो शूट और टू, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे? ऐसे, द जू कीपर यूज्ड अर्थ, लिखा हुआ तो मैं अर्थ ही यूज करूंगी, ट्रैंक्विलाइजर टू शूट द लायन, ठीक है। मैं लाइन से बाहर लिख रही हूँ, दैट्स ओके, आपको नहीं लिखना है, ओके, सॉरी, एक ही लाइन, फाइन। इस तरह से नेक्स्ट, द एक्सीडेंट शॉक्ड हर, चेंज द वॉइस। तो अब वॉइस, जब भी आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हो या पैसिव से एक्टिव करते हो, तो आप लोगों को एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कभी भी, चाहे एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं या पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं, आप कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे, टेंस नहीं चेंज होता है। दूसरा, आप कभी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं चेंज करो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी नहीं चेंज होता है। तीसरा, कभी भी आप मतलब कोई वर्ड रिमूव नहीं करोगे, जैसे जैसे अ है, एन है, द है, दिस है, ये सारी चीजें रिमूव नहीं करोगे। तीसरा, हमेशा ध्यान रखना पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है, हमेशा हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं, और हमेशा V3 के साथ आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, फाइन। और कभी भी पैसिव वॉइस में 3D नहीं आता है। 3D का मतलब क्या होता है? डू, डस और डिड, ये कभी भी नहीं आते, ओके, ये वर्ब्स कभी भी नहीं आते। अब एक्सीडेंट शॉक्ड हर, तो यहाँ पर हर यहाँ आ जाएगा, ये शॉक है। मैंने क्या कहा? पैसिव वॉइस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 यूज होगा, तो ये शॉक है, तो शॉक का V3 शॉक भी होगा। और कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे, ये पास्ट है, दिख रहा है शॉक्ड पास्ट है ना, तो आप पास्ट का ही वर्ब यूज करोगे, और आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ठीक है, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, वॉज शॉक, शी वॉज शॉक। अब आपको शी वॉज शॉक एट द एक्सीडेंट लिख सकते हो, आप चाहो तो शी वॉज शॉक बाय द एक्सीडेंट लिख सकते हो, मगर बेटर है एट द एक्सीडेंट लिखोगे, वो सही रहेगा, ओके। नेक्स्ट, द सन प्रॉमिस्ड हिज मदर दैट ही वुड नेवर बी रूड टू हर। तो इफ वी चेंज द स्पीच, अब देखिए वॉइस जब हम करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक्टिव वॉइस है, इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस किया है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस होता है जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो जिसको टेंस अच्छे से पता है उसको वॉइस एंड स्पीच में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पता होना चाहिए। तो जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है वो एक्टिव वॉइस है, और जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता वो पैसिव वॉइस है। अब किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको वॉज प्लस वी थ्री नहीं दिखेगा, टेंस के स्ट्रक्चर में आपको वॉज प्लस वी फोर दिखता है, शी वॉज गोइंग, राइट, शी वॉज स्टडिंग, राइट। तो ये टेंस का, पैसिव वॉइस कभी भी टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, और एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब ये स्पीच, अब आपको दिख रहा है ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपका सब्जेक्ट वर्ब होता है, और फिर आपका ये कॉमा, फिर आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑल दी वर्ड्स होते हैं, और फिर आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में आपका कंजंक्शन होता है, और डायरेक्ट स्पीच में आपका कोई कंजंक्शन नहीं होता है। ओके, तो अब आपको यहाँ चेंज द स्पीच लिखा, तो आपको पता होना चाहिए आपको किस में किससे चेंज करना है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है? तो ये जो चीज है ना, याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो चीज है इसका कभी भी टेंस नहीं चेंज होता है, इसका कभी भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ओके, कभी भी टाइम नहीं चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, आप वर्ब चेंज कर सकते हो, प्रॉमिस का सेट कर सकते हो, तो मैं इसको करूंगी द सन सेट टू हर मदर, राइट। और फिर मैंने ऐसे कर दिया, फिर ही कौन है? सन। अब सन डायरेक्ट कह रहा मदर को, तो मुझे आई लिखना पड़ेगा, आई वुड का विल, आई विल नेवर बी रूड। अब ये किसको, ये डायरेक्ट मदर को कह रहा है, तो हर की जगह क्या होगा? यू। और ये है, आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे द सन प्रॉमिस्ड, आप ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं होगा, प्रॉमिस्ड हर मदर, हिज मदर, सॉरी, हिज मदर, सॉरी, यहां पर मैंने प्रॉमिस नहीं लिखा है ना, तो मुझे यहां पे प्रॉमिस लिखना पड़ेगा, आई प्रॉमिस दैट, दैट आई प्रॉमिस दैट आई विल, ऐसे होगा, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर बी रूड टू यू, ओके। मगर अगर प्रॉमिस मैं बाहर लेकर आ जाती हूँ, द सन प्रॉमिस्ड हिज मदर, फिर यहाँ पर पूरा ऐसे ही लिखोगे, आई विल नेवर बी रूड टू यू, ठीक है, ऐसे, क्लियर हो गई बात? तो अगर प्रॉमिस आपका आप डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख रहे हो, तो फिर आप बाहर प्रॉमिस नहीं रखोगे, अगर बाहर प्रॉमिस रख रहे हो तो फिर अंदर प्रॉमिस नहीं रखोगे, क्लियर? नेक्स्ट, दिस सिंपल वर्ड इज एज गुड एज एन ओथ, चेंज द डिग्री। अब चेंज द डिग्री में आपको इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिग्री है। तो डिग्री कौन कौन सा होता है? सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, और बेस्ट सुपरलेटिव, राइट। तो ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है। अब इसको बोला चेंज द डिग्री, बोला नहीं कंपैरेटिव करने, सुपरलेटिव करने, तो आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, और कॉमन सेंस के अलावा ग्रामर की तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये वाले में सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन जो होता है, डिग्री बेसिकली कंपैरिजन का ही होता है, दो से ज्यादा में होता है, मगर यहाँ पे कंपैरिजन किसके लिए हो रहा है? सिर्फ दो के लिए हो रहा है, सिंपल वर्ड और ओथ, ठीक है? तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले आप इसका डिग्री चेंज करो बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री का कीवर्ड कौन सा होता है? दैन, दैन लिख दो, ठीक है? फिर ये वाला जो एन ओथ है, एन ओथ इधर चला जाए, ठीक है, ऐसे। अब एन ओथ ये सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ तो आपको इसका वर्ब भी लगाना पड़ेगा, तो मैंने वर्ब लगा दिया, एन ओथ इज बेटर देन इज सिंपल वर्ब, ऐसे लिखोगे, फाइन, और फुल स्टॉप देना, भूलना मत। मगर अब क्या करना है, ये नॉट नहीं है ना, अब यहाँ पे नॉट लगा, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो वॉइस का हो, स्पीच का हो, या सिंपल कंपाउंड का हो, हम कभी मीनिंग नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? तो एन ओथ इज नॉट बेटर देन हिज सिंपल वर्ड, अब वर्ड लिखा है, वर्ड्स नहीं लिखा है, तो एस नहीं लगाओगे। शी फाउंड द कीज इन द गराज, अब देखिए यहाँ बोल रहा है बिगिन द सेंटेंस विद द कीज,
आप द कीज लिखो, अगर आप लोग ने ग्रामर का अच्छे से पढ़ाई की है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये इनडायरेक्टली एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। द कीज आर, सॉरी एक्टिव पैसिव वॉइस का है तो ऑब्वियसली बात है टेंस नहीं चेंज होगा, फाउंड है ना, तो द कीज वर फाउंड इन द गैराज बाय हर। अब कोई कोई बोलेगा कि मैम बाय हर यहाँ पर नहीं, द कीज आर फाउंड बाय हर इन द गैराज, तो बाय वाला जो है ना कॉन्सेप्ट को लास्ट में रखोगे तो बेटर रहेगा, द कीज वर फाउंड इन द गैराज बाय हर। ओके से ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा बिगिन द सेंटेंस विद द कीज, आपको द कीज से ही शुरू करना है। अच्छा डोंट लुक एट मी लाइक दैट सप्लाई क्वेश्चन टैग। आप क्वेश्चन टैग में आप लोगों को देखिए सबसे अगर इजी कोई क्वेश्चन टैग है कोई चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में तो वो क्वेश्चन टैग ही है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग में आप लोगों को तीन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपका प्रोनाउन होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है, बस ये कंपोनेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब है स्पेसिफिकली बता रही हूँ इसका मतलब है क्वेश्चन टैग में आप कोई मेन वर्ब यूज नहीं करोगे। अगर प्रोनाउन बोल रही हूँ तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज होता है यानी आई ही शी इट दे, तो इसका अंदर का क्वेश्चन टैग में कभी नाउन यूज नहीं होगा, टीचर स्टूडेंट्स राम टॉम ये सब नाम यूज नहीं करोगे और हमेशा क्वेश्चन मार्क करोगे। ठीक है जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज गुड, तो इसमें इज है इज ये ऑब्जेक्टिव वर्ब है ना, तो स्टेटमेंट का ही कौन सा ऑब्जेक्टिव वर्ब लगेगा क्वेश्चन टैग में, कौन सा प्रोनाउन लगेगा, तो जो आपको स्टेटमेंट मिलता है जैसे ये स्टेटमेंट मिला है तो उसी स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्टिव वर्ब है वो ही ऑब्जेक्टिव वर्ब आपको लगाना है। फाइन जो स्टेटमेंट में प्रोनाउन या नाउन दिया है उसी का आपको प्रोनाउन लगाना है, अगर टॉम होता तो ही लगाते, इज ही कितना इजी है, बस एक और काम करना। अगर यहाँ नॉट नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट लगाना, अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाना, और नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाना है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में नॉट ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट ऐसा होता है, इजंट ही ये हुआ। फाइन अच्छा तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये रूल कि जो भी वर्ब आपको दिखता है वही वर्ब आपको चिपकाना है क्वेश्चन टैग में, जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन या नाउन दिखता है वही चिपकाना आपको क्वेश्चन टैग में, मगर ये रूल तब काम करता है जब प्रॉपर सेंटेंस हो। प्रॉपर सेंटेंस कब होता है, जब सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, उसको हम कहते हैं प्रॉपर सेंटेंस, कहना ना सब्जेक्ट वर्ब यही होता है सेंटेंस, मगर कभी कभी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है जैसे ये वाला शुरू होता है, ऐसे केस में फिर आप ये डू वर्ब नहीं लगाओगे यहाँ। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, ये ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में आप विल लगाओगे, और ये किसको बोल रहा है डोंट लुक एट मी, ये यू हिडन है, यू डोंट लुक एट मी लाइक दैट, ठीक है तो यू हिडन इसीलिए यहाँ पर आप विल यू लगा दो और फिर क्वेश्चन मार्क पुट कर दो, ये नॉट यहाँ है तो यहाँ नॉट नहीं लगाओगे, वेरी सिंपल। मगर री राइट करना है तो स्टूडेंट्स इसको पूरा का पूरा ऐसे करके लिखोगे ठीक है, और विल ऐसे। फाइन चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट पोजिशन अ प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द मैन वॉज अक्यूज, अक्यूज हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, डू नॉट लॉयटर, आप ऑन द स्ट्रीट लिख सकते हो, आप अराउंड द स्ट्रीट लिख सकते हो, आप अबाउट द स्ट्रीट लिख सकते हो, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट, डोंट लाफ एट मी, अगर हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं एक छोटा सा पॉइंट ठीक है तो उसमें हमेशा एट यूज होता है, जैसे ही वॉज एट द डोर, यानी डोर एक छोटा सा पॉइंट है तो पॉइंट के साथ एट यूज होता है, लुक एट द बोर्ड यानी इतने बड़े क्लासरूम में छोटा सा पॉइंट क्या है बोर्ड, ही वाज सिटिंग एट द कॉर्नर, पूरे रूम में एक कॉर्नर एक पॉइंट है, तो एट यूज, एट हमेशा छोटी चीजों के लिए यूज होता है, तो इतनी बड़ी जगह में एक छोटा सा डॉग है उसके लिए एट है, यू मस्ट अबाइड, अबाइड हमेशा अपने साथ बाय लेता है, शी हैड वर्क हियर 3 इयर्स तो यहाँ पर फॉर 3 इयर्स है। ओके अब यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स ऑन योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, तो ये मैं आप लोगों को देखते हैं ठीक है, तो ये मैं कौन कौन से मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स ऑन योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग,
अब स्टूडेंट्स कभी कभी ना इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड या डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे लिखा रहता है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर डू नॉट चेंज द फॉर्म लिखा हुआ है तो फिर अगर लिव बाय है तो लिव बाय का लिफ्ट बाय नहीं करोगे, लिविंग बाय नहीं करोगे। और ओके, तो लिव बाय का मतलब होता है कि फॉलो करना। तो वन शुड ट्राई टू लिव बाय वंस फेथ, यानी हमारा जो फेथ है उसी को हम फॉलो करें। लुक डाउन ऑन, यानी किसी को नीचे दिखाना। शी लुक डाउन ऑन मी बिकॉज आई वॉज पुअर। तो ना हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जितना सिंपल सेंटेंस बनाओगे ना उतना अच्छा है। अगर लंबे सेंटेंसेस बनाओगे, भारी भरकम शब्द यूज करोगे सेंटेंसेस में एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना लंबा सेंटेंस होगा गलती के होने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, ले ऑफ का मतलब होता है निकालना कंपनी से। द कंपनी शुड नेवर ले ऑफ इट्स पीपल। आप इट्स पीपल है तो आप इट्स एम्प्लॉय भी लिख सकते हो। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है जाने देना। द जज लेट मी ऑफ आफ्टर अ स्लाइट रिव्यू, यानी छोटे से डांट के बाद मुझे छोड़ दिया। मतलब लेट ऑफ का मतलब छोड़ देना, हमने गलती की है फिर भी अगर हमें छोड़ा जा रहा है तो उसको लेट ऑफ बोलते हैं। और लेट डाउन का मतलब होता है वी शुड नेवर लेट डाउन गॉड। तो हमें कभी भी गॉड मतलब एक्सपेक्टेशन के खरे उतरना। गॉड चाहते हैं कि हम अच्छे, भगवान क्या चाहते हैं, हम अच्छे मनुष्य बने, तो हमें उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना है, हमें उनको डिसअपॉइंट नहीं करना। लेट डाउन का मतलब डिसअपॉइंट होता है। स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंस बनाना, और इंग्लिश ग्रामर का लाइव बैच शुरू हो रहा है 30 अगस्त से, तो आप जरूर से ज्वाइन करना इसको। ओके, थैंक यू सो मच।